लिधोरा नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ा मंदिर प्रांगण में स्थित नागेश्वर महादेव भगवान का शिवरात्रि पर विवाह महोत्सव उपरांत नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम संचालक द्वारका प्रसाद गौतम ने बताया कि शिव विवाह के बाद 10 माननी की कथा के बाद एक और भंडारा होगा, जिसमें समस्त नगरवासी शामिल होंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भंडारा देर रात्रि तक संपन्न हुआ। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। ये भंडारा हो रहा है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है और इसमें कहाँ कहाँ के लोग आए? भंडारे में व्यवस्था का तो ऐसा है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं ये तो आपको पता ही है कि द्वारका दत्ता गौतम का भंडारा का कोई सीमा नहीं रहती है। जो मिलगाओ भज्जा जो निमंत्रण है वो सबसे कह दियो, तो इसमें सीमा कुछ नहीं है। और ये जो है अब भंडारा तो भंडारा है, जो आता जाएगा वो पाता जाएगा। कन्या भोज भी है, जगह नगर भंडारा भी है, आसपास के क्षेत्र के 25-50 गाँव के लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो और पूर्ति जो है उन्हीं को करना है भंडारे की, किसी खूब चकाचक भंडारा है, जो आते जाएंगे पाते जाएंगे। वो हर वर्ष करते हैं दद्दा जन सहयोग से, लेकिन पूरा जो है द्वारका गौतम के उस पर रहता है, नहीं उनके सहयोग से, लेकिन सब भूमिका इनकी रहती है सब। वो हर बार यही कहते हैं जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ। दादा जी, आज जो कार्यक्रम है आपके यहाँ, ये भंडारा हो रहा है, ये काय के उपलक्ष्य में हो रहा है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये शंकर जी के विवाह के उपलक्ष्य में हो रहा है, और ये कई सालों से जब से यहाँ शंकर जी की प्रतिष्ठा हुई तब से यहाँ यह कार्यक्रम होता रहता है। और ये 3 कार्यक्रम होते हैं, एक मंडप की पंगत, दूसरा ये विवाह की पंगत, अब एक तीसरी पंगत होगी 10 माननी की, उसमें कच्चा खाना परसा जाएगा सभी को। कच्चे खाने में क्या क्या रहेगा? कच्चे खाने में दाल, कड़ी, सब्जी और घी, शक्कर, बूरो, बड़ा और चावल। इसमें कितने लोग आमंत्रित रहेंगे और कहाँ कहाँ के लोग आएंगे? इसमें संख्या नहीं रहती है, जितने भी चले आए भगवान का प्रसाद है, सबको दिया जाता है। भंडारे में जो भंडारा चल रहा है, इसमें आपको व्यवस्थाएं क्या दी गई हैं? इसमें लेके लोगों के आने जाने के लिए उनके लेके बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की, भोजन प्रसादी की, हर चीज़ की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।